आ रही है सबको सकती आ रही आ रही आ रही आ रही। नजर। क्लास बेटा आज मैं अपना माइक बंद कर दूंगा तो आप जल्दी से इसको ना डिस्ट्रॉय करेंगे क्या। ओके सर, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर बॉडीज। फर्स्ट फिजिकल हम डिस करेंगे, देन केमिकल करेंगे। और जो फिजिकल है, फिजिकल में आ जाते हैं लाइट, टेम्परेचर, सस्पेंडेड मटेरियल्स। और केमिकल्स में आ जाते हैं डिजॉल्व गैसेस, हो जाता है गैसेस में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ये सब आ जाती हैं। और साथ ही हम करेंगे वो जो मटीरियल सस्पेंडेड सॉलिड्स। पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर बॉडीज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइट को। लाइट क्या होती है? लाइट प्रोवाइड्स द सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, द मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ द एटलांटिक सिस्टम। एटलांटिक सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो वाटर बॉडीज होती हैं एक्वेटिक, लेकिन इसमें डाउन हिल फ्लो नहीं होता और ये कंट्रास्ट होती हैं लॉटिक स्ट्रीम्स और रिवर्स के। द अमाउंट ऑफ द लाइट The अमाउंट ऑफ द लाइट रिसीव डिपेंड्स अपॉन द कम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स। ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अगर स्मॉल पॉन्ड्स की बात करें तो उनमें साइड्स पे क्या होते हैं, हम ट्रीज लगा देते हैं। ट्रीज भी होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उनकी हेल्प करते हैं। और ये जो एरिया होता है ना, वो लाइट की पेनिट्रेशन में इफेक्ट करते हैं और इसमें साइज भी डिपेंड करता है। सीजन और डायनल कंसिडरेशन भी आल्सो प्ले अ रोल इन द लाइट अवेलेबिलिटी पे करती है। ये शैलो होते हैं, लाइट स्ट्राइक्स करती है, और इसको बीयर्स लॉ कहते हैं। जो बीयर्स लॉ होता है ना, वो क्या होता है कि उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस अब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट के। अगर लाइट फर्स्ट टाइम पेनिट्रेट कर जाती है ना सरफेस पे, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है वाटरफॉल में। अब जैसे जैसे लाइट क्या होगी, वो जाएगी वाटर डेप्थ में, तो उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ द लाइट होगी ना, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, वंस लाइट पेनिट्रेट द सरफेस, इट मे आल्सो बी स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर कॉलम। This getting decreases the total amount of the light as depth increases. Light zonation theory considers how sunlight penetration into the water affects the structure of the body of the water. आगे जो लाइट जोन्स होते हैं वो वेरियस उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, जिसको इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइडेड भी करते हैं। जैसे लेक्स में क्या होता है, उसको डिवाइडेड कर देते हैं फोर्टिक और द एफोर्टिक रीजन्स में। फोर्टिक में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो पेनिट्रेट करती है, रिसीव करते हैं, लेकिन जो एफोर्टिक होते हैं उसमें क्या होता है कि वो रिसीव नहीं करते। आगे बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और मोस्ट ऑफ द बायोटिक्स आर द पीलियोथर्मिक। ये जो पीलियोथर्मिक होते हैं, कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एनवायरमेंट के लिहाज से चेंज करते रहते हैं। Where internal body temperatures are defined by the surrounding system, waters can be heated or cooled through radiation at the surface or conduction to or from the air and surrounding substrate. Shallow ponds have a continuous pressure gradient from warm water at the surface to cooler water at the bottom. और जो टेम्परेचर होता है इसमें भी चेंजेस आती रहती हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। सीजनल भी हो सकता है, डायनल भी हो सकता है। क्लास आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आगे जो आवाज आ रही टेम्परेचर, है। कंटिन्यू। जरा थोड़ा स्लो पढ़ाओ, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। ओके, टेम्परेचर क्या है? ये बेसिक वाटर क्वालिटी वेरिएबल है। ये डिटरमाइन करता है सूटेबिलिटी ऑफ द वाटर को वेरियस एक्वेटिक लाइफ में। आगे हम अगर इसकी लोकेशन या एनुअल टेम्परेचर की बात करें मुख्तलिफ एनिमल्स में या एक्वेटिक लाइफ में, तो ये वेरी करती है, रेंजेस 10 to 21 सेंटीग्रेड तक हो सकती है, लेकिन जो एवरेज होती है वो 16 होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो जो ट्रॉट और सालमन होती है ना, वो रिक्वायर करती है कूल टेम्परेचर को फॉर द सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो बेस्ट एंड द सनफिश होती है, वो जो बेटर करती है, वो करती है वार्मर टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो होता है वो बॉडीज में जनरली क्या करता है, फॉलो कर देता है मीन डेली एयर टेम्परेचर के लिहाज से। देन थर्ड इसका जो है वो है सस्पेंडेड मटेरियल्स। जो सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 2 माइक्रोन से क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। अगर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करें तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं डेट आर लार्जर देन 2 माइक्रोन फाउंड इन दी वाटर। लेकिन जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं 2 माइक्रोन से।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स आर द पार्टिकल्स दैट आर लार्जर देन 2 माइक्रोन्स फाउंड इन द वाटर कॉलम, एनीथिंग स्मॉलर देन 2 माइक्रोन्स इज कंसीडर्ड एज डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। जो मोस्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ मतलब इन ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, सो बैक्टीरिया अल्जी कैन बी कंट्रीब्यूट टू द टोटल सॉलिड कंसेंट्रेशन। इनमें ये क्या होता है कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं लेकिन इसमें बैक्टीरिया और जो अल्जी होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो दीज सॉलिड्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं, मतलब ये जो सॉलिड है वाटर में कहीं भी इधर उधर फेंक हो जाते हैं, ड्रिफ्टिंग हो जाती है, फ्लोटिंग हो जाती है उनकी फ्रॉम द सेडिमेंट से, स्लेट से, सैंड से और टू प्लैंकटन एंड द अल्जी से। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी फ्रॉम डिकम्पोजिंग मटीरियल्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द TSS कंसंट्रेशन। TSS क्या है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। एज अल्जी प्लांट्स एंड द एनिमल्स डिके, द डिकम्पोजिशन प्रोसेस अलाउ स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स टू ब्रेक अवे एंड एंटर द वाटर कॉलम एज सस्पेंडेड सॉलिड्स। आगे जो केमिकल प्रेसिपेट्स होते हैं ये भी कंसीडर किए जाते हैं टू द सस्पेंडेड सॉलिड्स में। जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट करते हैं फैक्टर होते हैं इन द ऑब्जर्विंग वाटर क्लेरिटी में। आगे जैसे जैसे अगर वाटर में ज्यादा सॉलिड होते जाएंगे तो जारी सी बात है कि जो वाटर है ना वो लेस क्लियर होता जाएगा, क्योंकि उसमें सॉलिड ज्यादा होते जाएंगे वाटर लेस क्लियर होता जाएगा। सॉलिड्स होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं हम नेक्स्ट 3 कैटेगरी में। एक होता है सेटेबल सॉलिड, दूसरा होता है सस्पेंडेड सॉलिड, तीसरा होता है फिल्टरेबल सॉलिड। जो सेटल सॉलिड एबल सॉलिड्स होते हैं ना वो होते हैं कि आर द वन दैट सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। जबकि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड द फिल्टरेबल सॉलिड्स होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज पे, द टेंशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स पे, ऑन द स्टैंडर्ड ग्लास फाइबर फिल्टर्स पे। जो सम जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ना वो सेटल हो जाते हैं इनटू द सैंडी बॉटम ऑफ द वाटर पे, मतलब पीरियड के लिहाज के, टाइम के लिहाज से, पीरियड ड्यूरेशन के लिहाज से वो ना बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जैसे सैंड हो गई, वो सेट तो होते हैं एंड दे इंटर एरिया वेयर लो, जहाँ पे वाटर फ्लो नहीं होता वहाँ पे जाके सेट होते हैं जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो बाकी बच जाते हैं पार्टिकल्स जो वहाँ पे सेट नहीं हो सकते, उनको क्लाइडल या नॉन सेटेबल सॉलिड्स कह देते हैं। ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, टू लाइट होते हैं टू सेट टू द बॉटम। आगे हम बात करेंगे केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर बॉडीज, इसमें पहले बताएंगे डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैसेस में नेचुरल एंड द ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर पीते हैं उसमें एयर भी होती है, अगर एयर अगर उसमें जो गैसेस होती हैं उसमें वो हो जाती है नाइट्रोजन हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। जो नेचुरल वाटर है ना आर टू ग्रेटर और लेसर होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, जो कि इन कंट्रास्ट टू द वाटर होते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द जो डिजोल्व गैसेज होते हैं ये ऑब्जॉर्व करती हैं फ्रॉम द एयर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से, विच कैन कम इन वाटर फ्रॉम द सोल एंड रॉक्स इन द विद द वाटर। अगर हम एटमोस्फेरिक गैस की बात करें इन द एक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ द गैस डिजोल्व इन वाटर, जो अमाउंट ऑफ द डिजोल्व वाटर होती है ना ये क्या करती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे जो कि एटमोस्फेयर में होता है। सी वाटर आल्सो हैज मैनी डिफरेंट गैसेज डिजोल्व इन इट, स्पेशली क्या हो जाती है जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके एक्सचेंज होते हैं ना, इनका जो गैसेस का एक्सचेंज होता है विद एटमोस्फेयर के साथ, ये बैलेंस करता है बिटवीन द ओशन एंड द एटमोस्फेयर में जो होता है गैसेस के बैलेंस होता है। अगर फर्स्ट गैस की बात करेंगे ऑक्सीजन की, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, ये रेफर करती है लेवल ऑफ द फ्री को नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर को और द अदर लिक्विड्स को। इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं वाटर क्वालिटी को असेसिंग करते हैं, वाटर क्वालिटी को जो कि इन्फ्लुएंसेस करती हैं एंड द ऑर्गेनिज्म की विद इन द बॉडी के ऊपर। जैसे हमें भी वाटर, हमारी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, बल्कि बने हम वाटर से हैं मोस्टली पार्ट। जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है बाय द डिफ्यूजन के जरिए, वो क्या करती है फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिश और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना ये कैन नॉट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, मतलब जैसे प्लांट्स होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस करते हैं, लेकिन जो फिश एंड द एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो ऐसा नहीं कर सकते, वाटर के अंदर से डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले सकते या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं कर सकते। लेकिन जो अदर ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया होते हैं ना ये फोटोसिंथेसिस या अदर प्रोसेस के जरिए ऐसा कर सकते होते हैं। Dissolved oxygen is considered to be one of the most important parameters of the water quality in the streams, rivers, and lakes.
आगे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द न्यूमरस केमिकल एंड द बायोलॉजिकल रिएक्शन जो कि प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम. वेरियस नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे इन द इकोसिस्टम में, जिसमें क्या हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस आ जाती है, रेस्पिरेशन आ जाती है, और जो ऑक्सीजन प्रोफाइल होती है इफेक्टेड करती है बाय द विंड ऑन द वाटर सरफेस पे, रेस्पिरेशन के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए, ऑर्गेनिक मेटल के जरिए. वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर लेते हैं लाइक टेम्परेचर प्रोफाइल. आगे मेजरमेंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, हम डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर कैसे कर सकते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं. आगे जो ये जो अगर हम डिसॉल्व ऑक्सीजन मीटर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से टाइप का ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. और अगर इसकी बात करें तो इसके टू प्राइमरी टाइप्स होते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन सेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए. एक होती है ऑप्टिकल बेस्ड सेंसिंग मेथड जो कि क्या करता है रेफर करते हैं ल्यूमिनेसेंट को, और दूसरा होता है क्वार्क इलेक्ट्रोकेमिकल या मेम्ब्रेन कर्व इलेक्ट्रोड. Within these two types of the technology, जो slight variations available होती हैं इन दोनों technologies की वजह से. लेकिन अगर हम बात करें तो जो optical sensor होता है ना इसकी भी next two types होती हैं. जो both types होती हैं optical sensors की वो मैयर करती है luminescences को. It is affected by the presence of the oxygen. Presence of the oxygen उसकी luminescences को affect करती हैं. जो one sensor होता है वो क्या करता है मैयर करता है lifetime of the luminescences को. और जो अदर ऑप्टिकल सेंसर सेंसर का अदर जो सेंसर होता है ना दूसरा वो करता है इंटेंसिटी ऑफ द ल्यूमिनस सेंसर को करते हैं. यहाँ पे हमने बात की थी ऑप्टिकल सेंसर की टू टाइप की. नेक्स्ट जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर उसकी भी आगे टू होती हैं. एक होती है पोलरोग्राफी, दूसरी होती है गैल्वेनिक. ऑक्सीजन सेंसर होते हैं ये सिलेक्टेड करते हैं, इसमें मैनी फीचर्स होते हैं इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ दिस सेंसिंग टेक्नोलॉजी. आगे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है ना इसको हम रिपोर्टेड करते हैं, मतलब अगर इसका वो देखा जाए तो ये होता है मिलीग्राम पर लीटर में या एज अ परसन ऑफ द एयर सेचुरेशन में. और अगर सम स्टडी रिपोर्ट करती है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है इसको पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको मेजर करते हैं और या माइक्रो मोल्स में. अगर हम बात करें मिलीग्राम पर लीटर की तो 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल होता है 1 पार्ट्स पर मिलियन के. लेकिन अगर हम बात करते हैं माइक्रोमोल की तो 1 माइक्रोमोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होता है 0.022391 मिलीग्राम के. और ये जो यूनिट होता है ना ये कॉमनली यूज होता है इन द ओशियनिक स्टडीज में. लेकिन जैसे हमने देखा कि 1 जो माइक्रोमोल ऑफ द ऑक्सीजन इक्वल होता है 0.022391 के, तो इसी तरह अगर 100 होगा माइक्रोमोल पर लीटर ऑक्सीजन तो ये इक्वल होगा 2.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन के. आगे कैलकुलेटिंग अगर हम करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन को फ्रॉम द परसेंटेज एयर सेचुरेशन से तो इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं, जैसे ये नजर आ रहा है नीचे, ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मेजर परसेंटेज डिसॉल्व ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय डिसॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू from the chart and the salinity. So, isko padh lete hain. To calculate dissolved oxygen concentration from the air saturation, it is necessary to know the temperature and salinity of the sample. Hum agar kisi bhi agar humne dissolved oxygen ko calculate karna hai to first of all hame temperature aur salinity ka jo sample hai usko pata hona chahiye. Barometric pressure ko hum atmospheric pressure bhi kehte hain. Ye kya hota hai, ye counted karta hai already kya hota hai counted karta hai for the partial pressure ko of the oxygen contribute to the present in the air saturation ko. Salinity or jo temperature hota hai can be used hota hai in the Henry law to calculate what the dissolved oxygen concentration would be at 100% air saturation 10. Agar hum isko easier dekhe na to chart pe dekha jaye to jo dissolved oxygen concentration hoti hai jo ki 100% air saturation pe hoti hai to ye varying karti hai temperature aur salinity ke lihaz se. Agar iske
की बात करें तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल के अगर जो मैयट परसेंटेज डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये 80% हो, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और जो सैलिनिटी है वो आ गया 3 PPT हो, तो अगर हम 30 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9.318, और इसको अगर हम मैयट परसेंटेज डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है, तो जो ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर होगी वो होगी 7.45 मिलीग्राम पर लीटर। आगे आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, पहले हमने गैसेस में बात की थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में आता है कि ये प्रेजेंट होती है इन द वाटर में इन द फॉर्म ऑफ द डिसॉल्व गैस के तौर पर, और जो सरफेस वाटर होता है ये नॉर्मली कंटेन करते हैं लेस देन 10 PPM फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो ग्राउंड वाटर्स होते हैं वो क्या करते हैं इजीली एक्सीड कर जाते हैं इस कंसंट्रेशन से। आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये रेडली सॉल्युबल होती है इन द वाटर में, इसका जो टेम्परेचर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जो वेलेबिलिटी होती है ना वो क्या होती है 200 times दैट ऑफ द ऑक्सीजन होती है। आगे जो कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम अगर कंबाइन कर जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये क्या होती है कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में चली जाती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं लाइफ होती है डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड पे बाइकार्बोनेट पे इन द वाटर फॉर द ग्रोथ। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं सस्पेंडेड करते हैं इन द वाटर में, जैसे वाटर के नीचे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं लार्ज रूटेड प्लांट्स होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस में ऑफ द प्लांट्स में। इसके अलावा क्या होता है प्लांट्स में मटेरियल है स्टार्चेस शुगर ऑयल्स प्रोटीन। आगे जो कार्बन इन दीज ऑल मटीरियल्स में होती है ना ये कम करती है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर में। आगे आ जाता है फास्फोरस एंड द नाइट्रोजन। फास्फोरस एंड द नाइट्रोजन क्या होता है कि ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द एक्वेटिक सिस्टम में। नाइट्रोजन कंसंट्रेशन क्या होता है यूजली हाईली जो नाइट्रोजन कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है इन द फॉल एंड द विंटर मंथ्स में, लेकिन कम हो जाती है स्प्रिंग एंड द समर मंथ्स में। और इसकी जो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द फास्ट, पहले हमने नाइट्रोजन की बात की थी, अब फास्फोरस की बात करें तो इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन होती है वाटर बॉडीज में। फास्फोरस को हम कंसीडर करते हैं लिमिटिंग फैक्टर इन द ग्रोथ रेट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन में। और जो डिसॉल्व फास्फोरस होती है डिस्टिंक्ट इसका जो एक्वेटिक साइकिल होता है। अगर डिसॉल्व सॉलिड्स की बात करें तो जो डिसॉल्व सॉलिड्स कंसंट्रेशन इन द वाटर में ये क्या होता है कि सम ऑफ ऑल दी सब्सटेंस, मतलब डिसॉल्व सॉलिड का मतलब कि जो ऑल जितने भी सब्सटेंस है ना वाटर में, जैसे ऑर्गेनिक हो गया इनऑर्गेनिक हो गया, सबको क्या कहते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इन सबको सम अप कर दें तो ये क्या बन जाता है डिसॉल्व सॉलिड्स बन जाते हैं, और इसको हम रेफर कर देते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स या TDS। कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट सिलिका टिपिकल मेकअप मोस्ट ऑफ दी डिजॉल्व सॉलिड्स, ये सारे जो मैंने नाम बताए ना ये सारे मतलब सॉलिड्स आ जाते हैं। और जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं ये मेजर करते हैं साल डिजॉल्व इन द वाटर सैंपल आफ्टर रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड। जब सस्पेंडेड सॉलिड जिसका हमने ऊपर पढ़ा था कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं कैटेगरी, वो जो उनके रिमूवल के बाद क्या होता है ये मेजर किए जाते हैं। TDS is residue remaining after evaporation of the water. The concentration of the total dissolved solids is related to electrical conductivity. ये रिलेटेड करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से या स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। और जो इसकी कंडक्टिविटी होती है ये मेजर करती है कैपेसिटी ऑफ द वाटर को ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल करंट को। द कंडक्टिविटी इज रिलेटिव टर्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन द TDS कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी इज यूनिक गिवन इन द वाटर सैंपल और इन द स्पेसिफिक TDS कंसंट्रेशन रेंज। जो कंडक्टिविटी होती है ये इंक्रीजेस करती है एज अ कंसंट्रेशन ऑफ द TDS इंक्रीजेस। जब जैसे जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो जो TDS की कंसंट्रेशन होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। बस ठीक है क्लास, आपको समझ आ गई? जी जी सर साहब। जी जी सर जी, वो अटेंडेंस तो लगवा दें और अब ये नोट्स वगैरह जो है ना आपके पास इनको प्रिंट करके इसकी तैयारी वगैरह भी शुरू करें, तो मैं फिर अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। ठीक है ना सर, हमारे पेपर्स कब से होंगे?
बेटा ये यूनिवर्सिटी ने डिसीजन ठीक है लेना सर, है, इंशाल्लाह मैं ये वो पहुंचा दूंगा सब तक। डिसीजन जब ले लेंगे ना मेरे ख्याल में इस हफ्ते के दौरान वो डिसीजन ले लेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेकिन सही सही आप तैयारी शुरू कर दें, आप ये ठीक है समझेंगे सर, आपके पेपर वर्क शुरू होने वाले हैं। जी सर, ओके सर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आज से अल्लाह तैयारी शुरू हो जाएगी। ओके।